भाई साहब, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में ओला टॉप पे है, उसके बाद में है भाई कौन, टीवीएस, फिर है बजाज, फिर है एथर, फिर है हीरो मोटोकॉर्प। और आज के इस वीडियो में हम दो तगड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये जो कंपैरिजन है ये हमें बोला है कीना शेठ जी ने, और इनका कहना है विडा और चेतक में बेस्ट बताओ प्लीज। यस, आपने क्वेश्चन पूछा है और ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपके क्वेश्चन को मैं जवाब दूं। तो यहाँ पे हम दो तगड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, चेतक और विडा। लुक वाइज अगर आप देखो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, थोड़ा सा नए जमाने का इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप देखो तो विडा हमें लगेगा, बट अगर आपको एक पुराने विंटेज लुक वाला चाहिए तो चेतक ने उनका पुराना लुक वैसे का वैसा मेंटेन किया, उसके साथ भी आप जा सकते हो। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। यहां पे हीरो विडा V1 Pro हमने कंसीडर किया है जो 3.94 kWh बैटरी पैक के साथ आता है। अगर आप V1 Plus की बात करें, मैं यहां पे बाजू में लिख देता हूं, वो 3.44 kWh के साथ आता है। ये जो डिफरेंस है ना 500 वाट आवर का, वो सिर्फ आपको 10 किलोमीटर की रेंज दे देता है। तो मैं बोलूंगा कि प्राइसिंग में अगर आप देखो तो ये जो 1,30,000 प्राइसिंग आपको दिख रहा है ये है विडा V1 Pro का, और V1 Plus का जो प्राइसिंग है ना ये आप लगभग ये मिल जाता है 1,02,000 तक ये मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा 20,000 से 28,000 का जो डिफरेंस है प्राइस का वो सिर्फ उस बैटरी चेंज के लिए, बाकी V1 Plus और V1 Pro में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें तो हम क्या क्या देखने वाले, बैटरी, मोटर, ट्रू रेंज, टॉप स्पीड, टॉर्क, रिडेबिलिटी, चार्जिंग टाइम, बूट स्पेस एंड ऑफ कोर्स द एक्स शोरूम प्राइस। यहां पे क्लियरली मैंने एक्स शोरूम प्राइस पहले एक्सप्लेन कर दिया। हीरो विडा V1 Pro की ये दिल्ली की एक्स शोरूम प्राइस है, आपके सिटी लिए क्या, सिटी के लिए क्या एक्स शोरूम प्राइस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जाकर देख सकते हो या आप डीलरशिप को पूछ सकते हो। यहां पे आपको दिख रहा है 30,000 रुपए का डिफरेंस। यस, वो 30,000 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा है और यही बहुत लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन फैक्टर हो जाता है क्यों बजाज चेतक टॉप 5 में 3 नंबर पे है, क्योंकि भाई 30,000 कम देके आपको बजाज में मिल रहा है मेटल बॉडी, ओके, आपको एक मिल रहा है बहुत ही स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपको एक मिल रहा है चलने के लिए, मतलब बजाज चेतक का जो चलने का जो फील है ना वो बहुत ही अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू द हीरो विडा V1 Pro। टॉकिंग अबाउट द बैटरी, यहां पे आपको दिखेगा बहुत बड़ा बैटरी है, मतलब 3.94 एंड 2.88 ऑलमोस्ट 1 किलोवाट आवर का डिफरेंस है। और ये जो 1 किलोवाट आवर का डिफरेंस है रेंज में अगर आप देखो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर का रेंज का डिफरेंस यहां पे आपको हीरो विडा और बजाज चेतक में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई मोटर जो है ना इसकी बहुत बड़ी है, 6 किलोवाट वाली मोटर है और यहां पे 4.08 किलोवाट वाली मोटर है। तो मोटर जितना बड़ा, इवन दो द बैटरी पैक इज लार्जर, बट मोटर बड़ा है 2 किलोवाट से, उसके वजह से वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, एंड दैट इज द रीजन वाई द हीरो विडा V1 Pro विल गिव यू लीस्ट रेंज और लेसर रेंज एज कंपेयर टू बजाज चेतक कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ बैटरी कैपेसिटी इट इज हैविंग। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, बैटरी कैपेसिटी बड़ी है और मोटर भी बड़ी है, तो रेंज जो है ना उस पर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मोटर बड़ी ले ली तो वो ज़्यादा करंट बैटरी से ले लेगी। अगर हम बजाज चेतक की बात करें तो बैटरी 2.88 kWh की है, लगभग 2.9 kWh, 4 किलोवाट का मोटर है, 100 किलोमीटर तक का आपको रेंज मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द टॉप स्पीड, ये जो टॉप स्पीड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, एथर में मिलता है, क्योंकि एथर जो है ना मतलब इनका साथ में ही चलता है सब कुछ, एथर और विडा। हीरो मोटोकॉर्प की 920 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है एथर में, लगभग 920 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हीरो मोटोकॉर्प की एथर में है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एथर की है वही हीरो विडा की देखने को मिलेगी, इवन द मोटर, इवन द टॉप स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन, मेनी थिंग्स ऑफ हीरो मोटोकॉर्प एंड द एथर आर सेम। सो 80 kmph का टॉप स्पीड आपको हीरो विडा V1 Pro में मिल रहा है, वेयर 63 kmph सिटी के लिए सफिशियंट है, ये आपको बजाज चेतक में मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट द टॉक, ऑफकोर्स इतनी बढ़िया मोटर है तो टॉक भी तगड़ा मिलेगा, 25 न्यूटन मीटर्स का टॉक विद 20 डिग्रीज ऑफ ग्रिडेबिलिटी। ग्रिडेबिलिटी मतलब अगर आपको हिल क्लाइंबिंग करना है तो ये एंगल जो होता है ना ये 20 डिग्री है, मैं इजी करके आपको बता रहा हूँ, ओके, ये आपको हिल क्लाइंबिंग में इजी जाएगा हीरो मोटोकॉर्प के साथ। एंड बजाज चेतक है 18 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 डिग्रीज का ही डिफरेंस है, बट 2 डिग्री भी मैटर करता है। टॉकिंग अबाउट चार्जिंग टाइम, यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 7 घंटे लग जाते हैं चार्जिंग को हीरो विडा को, V1 Pro को, वेयर एज बजाज चेतक चार्जेस इज ओनली 4 hours 50 minutes। रुको, सब्र करो, मैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे आपको देख जाएगा 4 घंटे 50 मिनट में लगभग बजाज चेतक 2903 चार्ज हो जाएगा, वेयर एज हीरो विडा V1 Pro टेक 7 hours फॉर इट्स चार्जिंग, विच इज अ टू मच अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज कंज्यूम्स, ओके। एंड बूट स्पेस में बोलूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव है हीरो विडा V1 Pro, 26 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहां पे मिल रहा है, वेयर एज
बजाज है तो यू गेट ओनली बूट स्पेस ऑफ 18 लीटर्स विच इज ड्रॉबैक, ओके, एंड प्राइस का मैंने ऑलरेडी बोल दिया. तो अभी हर एस्पेक्ट में कौन सा एस्पेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा है बोल देता हूँ. बैटरी हीरो वीडा, मोटर हीरो वीडा, रेंज हीरो वीडा, टॉप स्पीड हीरो वीडा, टॉक भी हीरो वीडा, ग्रेडेबिलिटी भी हीरो वीडा, चार्जिंग टाइम बजाज चेतक का कम है क्योंकि बैटरी छोटी है, बूट स्पेस हीरो वीडा, बट प्राइस यू कैन सी एक्स शोरूम प्राइस इज ओनली 1 लाख. तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फैक्टर मुझे लगता है ये जो स्पीड है ये एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर है, एंड ये जो है भाई क्या बूट स्पेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है और लुक एक फैक्टर है. ये तीन फैक्टर पकड़ के आप इन दोनों में से कौन सा लेना है वो चूज कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स द बिल्ड क्वालिटी, बजाज इज हैविंग प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एज कम्पेयर टू हीरो वीडा वी1 प्रो, बिकॉज बजाज कम्स अप विद द मेटल बॉडी एंड हीरो वीडा कम्स अप विद द फाइबर बॉडी. तो यहाँ पे ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स है. आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी आ जाएगा, बट जब तक आप टेस्ट राइड नहीं लेते ना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच इलेक्ट्रिक स्कूटर टू बाय. और मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए. सो ये गए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेट्स सी द हीरो वीडा. ओके, सो हीरो वीडा V1 प्रो जो है, एज यू कैन सी दिस इज V1 प्लस, आई वांट टू शो यू V1 प्रो. सो दिस इज V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर, यू कैन सी 1,30,000 इसका प्राइस दिखा रहा है. इट कम्स अप विद द वेरियस वर्जन्स, ओके, एज यू कैन सी वाइट, then there is this orange, then there is this black color, and also this amazing matte cyan blue color. ये certified range 165 किलोमीटर का, 165 किलोमीटर का बोलते हैं. True range आपको 110 का मिल जाता है. And if you see more, okay, इसका ये आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशन शीट, मैं खोल रहा हूँ आपके लिए. ओके, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा V1 Pro एंड V1 Plus में. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर. I don't want to share, man. Okay. So V1 Plus, V1 Pro में देखो एक्सेलरेशन में 0.2 सेकंड्स का डिफरेंस है, बैटरी कैपेसिटी में 500 वाट आवर्स का डिफरेंस है. इसमें डिटैचेबल बैटरी पैक, यस, आपको अगर एक डिटैचेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप बजाज के साथ नहीं जा सकते, आपको लेना पड़ेगा हीरो मोटोकॉप का वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर. PMSM मोटर सेम है देखो दोनों में, बैटरी का ही डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. बैटरी बड़ी है तो इसको चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है. एंड यू कैन सी ऑल द डायमेंशंस आर सेम, यू कैन सी ऑल द फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम, एंड द बैटरी वारंटी इज 3 years एंड 30,000 किलोमीटर्स. एंड इफ यू गो बैक टू बजाज चेतक, आई विल शो यू बजाज चेतक ऑल्सो. बजाज चेतक, ओके, सो हियर यू कैन सी बजाज चेतक 1,40,000. दिस मॉडल इज डिफरेंट, आई शो यू द मॉडल विच वी वर डिस्कसिंग. सो वी वर डिस्कसिंग द मॉडल 2903. ओके, 2903, एज यू कैन सी 95,000, दिस इज दिल्ली प्राइस. बैंगलोर प्राइस 95,998, फॉर अदर सिटीज इट मे बी 1 लाख, विद द ऑन रोड विल गो 1,12,000. ओके, सो यहाँ पे आप देखो 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, 63 kmph का टॉप स्पीड है, कलर्स बहुत अमेजिंग है, पूरा मेटल बॉडी में आता है. देखो आप कलर्स भी बहुत अच्छे हैं. ओके, सो इट इज योर चॉइस. नाउ यू हैव टू टेक द टेस्ट राइड, जो शेट मैम है जिन्होंने कमेंट किया था. नाउ यू हैव टू टेक द टेस्ट राइड एंड यू हैव टू डिसाइड. इफ यू आस्क मी व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स बिटवीन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, आई फील जो मैंने पहले ही बोल दिया, जो लुक है शायद आपको, अगर आप यंग हो तो हीरो मोटोकॉप अच्छा लगेगा. डिटैचेबल बैटरी पैक चाहिए, हीरो मोटोकॉप. बूट स्पेस ज्यादा चाहिए, हीरो मोटोकॉप. अगर आपको मेटल बॉडी चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, राइडिंग परफॉर्मेंस जो है, जो फीलिंग है वो अच्छी चाहिए, तो बजाज चेतक वो अच्छा दे पाएगा. तो आप टेस्ट राइड लेना, डिसाइड करना. मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. आई होप कीना शेट मैम को ये क्लियर हो चुका है कि उनको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है. जय हिंद, जय भारत.